दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लोग अपने लैपटॉप के साथ एक मॉनिटर को कनेक्ट करके डुअल स्क्रीन में चला सकते हैं। दोस्तों इस तरीके को ज़्यादातर गेमर यूज़ करते हैं जब वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। एक साइड में दोस्तों गेम चल रही होती है और दूसरी साइड में दोस्तों जो लाइव चैट आ रही होती है वो देखते हैं। तो ये आप लोग कैसे कर सकते हैं वही मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा जरूर देखना। और दोस्तों मेरा नाम है प्रकाश। अगर दोस्तों आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो या फिर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस देखने को मिलेगी। और दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही फ्री है, आपको इसका एक भी रुपया नहीं लगेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना। अब चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो अभी दोस्तों हमारा जो ये मॉनिटर है वो सीपीयू के साथ कनेक्ट है, तो सबसे पहले हम लोग इसे डिसकनेक्ट करके इस वाले कैबिनेट को या फिर जो ये कीबोर्ड माउस पड़े हुए हैं इन सबको नीचे रख देते हैं। उसके बाद हम लैपटॉप को बाहर निकालेंगे, फिर इसके साथ में आपको कनेक्ट करके दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, शट डाउन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मैंने लैपटॉप को भी रख दिया है साइड में। और ये रहा दोस्तों HDMI केबल, जो कि दोस्तों हमें अपने मॉनिटर के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था क्योंकि हमारा CPU भी कनेक्ट था इसके साथ ही। तो आप लोगों को दोस्तों ऐसे HDMI केबल की ज़रूरत पड़ेगी अगर आप लोग अपने मॉनिटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। और दोस्तों अगर आपको ऐसा HDMI केबल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इस वाले HDMI केबल को अपने लैपटॉप में लगा देते हैं। मॉनिटर में दोस्तों बैक साइड में ऑलरेडी लगा हुआ है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम लोग लगा देते हैं इसको। यहाँ पर हमें एक पोर्ट मिल जाएगा HDMI का, ये रहा आप लोग देख सकते हैं नीचे की साइड में HDMI लिखा हुआ। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पर तो अभी दोस्तों हम लोगों ने HDMI केबल को कनेक्ट कर दिया है मॉनिटर के साथ। और दोस्तों मेरा जो लैपटॉप का HDMI केबल है, केबल के HDMI जो पोर्ट है लैपटॉप का, वो थोड़ा सा ख़राब हो चुका है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी लेकिन कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने HDMI केबल की मदद से मॉनिटर और लैपटॉप को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिया है। अब दोस्तों हमें जो काम करना है वो अपने लैपटॉप में करना है। तो सबसे पहले आपको आपके लैपटॉप में एक की ढूंढनी है, तो वो की आपको यहाँ पर F10 में मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो आप लोगों को मैं और चीज़ बता देता हूं। जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि F10 में ये हमें की देखने को मिलेगी। जैसे ही हम लोग इसे प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहां पर एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा प्रोजेक्ट का। अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप लोग दोस्तों यहां पर सर्च करिएगा प्रोजेक्ट, तो भी आप लोगों को वही विंडो सेम मिल जाएगा, तो उसे आप लोग ओपन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सर्च करते हैं प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट पर सर्च करते ही दोस्तों आप देख लीजिए कि ये आ चुकी है स्क्रीन। आपको एंटर करना है प्रोजेक्ट लिखने के बाद, तो आपको स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। साइड में ये जो पॉपअप विंडो है वो मिल जाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है कि आप लोगों ने कनेक्ट हो कर दिया है। अब दोस्तों सिंपली हमें काम करना है ये वाला। जैसे कि दोस्तों अगर हम लोग डुप्लीकेट स्क्रीन देखना चाहते हैं, यानी कि सेम स्क्रीन अगर हम लोग अपने मॉनिटर में देखना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप लोग देखिएगा दोस्तों दोनों चीज़ में, दोनों में एक ही चीज़ आ जाएगी। जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं डुप्लीकेट, और अभी दोस्तों वहां पे शायद कनेक्शन हो रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन दोस्तों यहां पर हमारा जो वायर है वो शायद थोड़ा सा हिल चुका है, तो आप देख लीजिए आप लोग आ चुकी है ना। ये दोस्तों थोड़ा सा प्रॉब्लम है वायर में इसके कारण, आपका तो सही होगा मुझे पता है। तो आप लोग देख लीजिए कितना सही लग रहा है। इसके बाद दोस्तों अगर आप लोग एक चीज़ को यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि डुप्लीकेट नहीं रखना चाहते हो, आधा आधा करना चाहते हो, तो देख लीजिए यहाँ पर दूसरी स्क्रीन होगी, यहाँ पर भी दूसरी स्क्रीन होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये खाली होगा और इसमें आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे। और दोस्तों अगर आप लोग मॉनिटर वाले को ही यूज़ करना चाहते हो, इसे ऑफ कर देना चाहते हो, तो सिंपली आपको क्या करना है कि ऑफ कर देना, तो ये ऑफ हो जाएगा और जो भी काम आप लोग कर रहे थे वहाँ पर आप लोग कर पाएंगे। टाइपिंग दोस्तों यहाँ पर कर पाएंगे, आपको जो भी काम करना होगा वो यहाँ पर करना पड़ेगा, लेकिन वो सारा वहाँ पर चलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से इसकी मदद से इसको डुप्लीकेट स्क्रीन कर देते हैं। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों कुछ इस तरीके से मॉनिटर को लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं।
तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। इस वीडियो पे दोस्तों मैं 500 लाइक का टारगेट रखता हूँ, जो मेरे ख्याल से मेरे भाई लोग जरूर करा देंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर भी कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर ऐसी ही कमाल की वीडियोस मैं देता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कौन बड़ी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।